अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन में मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग की, गलत धारणाओं की, और हमने अब तक काफी ज्यादा गलत धारणाएं आपकी क्लियर करी हैं। रोज हम एक वीडियो डाल रहे हैं इस हफ्ते ब्लड प्रेशर के मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि कईयों को यह लगता है कि ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्योर नहीं हो सकता, ब्लड प्रेशर जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल जरूर हो सकता है दवाओं से, एक्सरसाइज से, रिलैक्सेशन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से। अगर आपको कोई ये कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर हम क्योर कर देंगे, आपका हाई ब्लड प्रेशर हम खत्म कर देंगे किसी रेगुलर दवा लेने से, तो ये गलत बात है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, या तो वो दवा से होगा या तो लाइफस्टाइल चेंजेस से। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी जिंदगी के जीने के तरीके में बदलाव लाएंगे या दवा खाएंगे। कई दफा हमें ये दोनों करने पड़ते हैं, क्योंकि जीने के तरीके में बदलाव से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल होता है, वक्त लगता है 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल। तो इस बीच ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल होता है, और लाइफस्टाइल चेंजेस से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको वक्त लगेगा, 6 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं। इस बीच ब्लड प्रेशर आपके ऑर्गन्स को डैमेज ना करे, इसलिए दवाई खाना जरूरी है, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना जरूरी है। कई लोगों में लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनके केस में आपको ब्लड प्रेशर की दवा जिंदगी भर लेनी पड़ सकती है, और टेस्ट करा के ये चेक करना होता है कि कोई रिवर्सिबल रीजन अगर मिल जाए ब्लड प्रेशर का, तो उसे ठीक करने पर भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। ठीक से मतलब कि कंट्रोल में रह सकता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर खत्म नहीं होता, कंट्रोल होता है। देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।